और ये फर्स्ट पेपर का है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों ये ब्लॉग नहीं है, एजुकेशनल टाइप में होगा क्योंकि इस टाइम थोड़ा पेपर चल रहा है, इस वजह से थोड़ा कंटिन्यू ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहे हैं। कल था भूगोल का फर्स्ट पेपर, यानी कि जियोग्राफी का फर्स्ट पेपर, तो वो दिए और उसके बाद देने के बाद आए तो फिर टाइम नहीं मिल पाया, तो आज टाइम निकल कर इसका जो है वीडियो बना रहे हैं। ये जो है तो ये भी एक ब्लॉग टाइप में होगा। उसके बाद जो है कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए तो ये बता देंगे आपको, ताकि रिविजन हो जाएगा और पढ़ाई हो जाएगा। और ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहे तब चलो कैंसिल हो, यही बना लेते हैं कम से कम, क्योंकि कहीं जा नहीं पा रहे हैं। पेपर में पढ़ना पड़ता है ना, तो पढ़ते पढ़ते बुरा हाल हो गया है। किताब पढ़ पढ़ के हालत ख़राब हो जा रही है। श्योर सीरीज पढ़ना पड़ता है ना, इस वजह से। तो ये हम पढ़ के जा रहे हैं और पढ़ने के बाद क्वेश्चन हल कर रहे हैं। और उसके बाद जो है कि कुछ ठीक है, काफ़ी पढ़ना पड़ रहा है, इसके बाद जो है क्वेश्चन हल हो पा रहे हैं। तो आप लोग पढ़ के ही जाना, बुरा हाल हो गया है। ये क्वेश्चन चलो दिखाते हैं आपको बैक कैमरा से। ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं रखे हैं, और ये नोट्स है जिसमें अपना सब क्वेश्चन वगैरह जो जो है वो लिख रहे हैं, सब देख सकते हो, पूरा लिख रखे हैं जो भी है। और ये फर्स्ट पेपर का है, आप लोग देख सकते हो, जियोग्राफी का फर्स्ट पेपर। ये ग्राफिकल थॉट्स, ये जो है इसका यहाँ से यहाँ तक आया था जो टाइप्स होते हैं वो, और इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आए। देखिए, अति लघु उत्तरी प्रश्न जो है खंड अ का, इसमें से दिया है, इसमें 50 वर्ड का करना है, मतलब सब जितना 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन जो है कि तो आएगा आपका 50 10 क्वेश्चन है तो 50 वर्ड में लिखना है इसको। और ये देखो, पहला दिया है भूगोल का अर्थ एवं विषय क्षेत्र। अगर इसका ज़्यादा उत्तर बताते चलेंगे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए शॉर्टकट आपको दिखा रहे हैं ताकि आप लोग पढ़ के और जाओ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लेंगे ना, पढ़ के भी बता देते हैं। काशमर्श हो गया, स्वदेशीयवादी हो गया, उपगाम हो गया, और ऐसे ही बहुत क्वेश्चन है, टाइम लग जाएगा पढ़ने में, आप लोग देख लो। और ये उसी में का 10 10 क्वेश्चन बताए थे ना, 10 क्वेश्चन, तो ये पहले का 10वां क्वेश्चन। यहाँ तक भूगोल में और डार्विनवाद ये हो गया। फिर इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हो, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न जो है खंड ब, इसमें आप देख सकते हो, और इसमें जो है 200 वर्ड का है, इसमें से ज़्यादा नहीं क्वेश्चन, इसमें भी पूरा ही करना है, लेकिन इसमें दिया सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर, मतलब इसमें जितना क्वेश्चन सबको करना है, मतलब अथवा करके दिया है, चाहे तो ये कर लो चाहे तो अथवा वाला कर लो। और ये भी जो है आपको 200 वर्ड्स में करना है, 200 वर्ड्स। और इसके बाद फिर तीसरे नंबर में अथवा करके दिया है, दोनों में से कोई एक कर सकते हो। भूगोल के विकास में बर्नार्ड वेरिनियंस के योगदान को स्पष्ट कीजिए, ये हो गया, ऐसे ऐसे करके ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। ये देखो आप, पूरा आया ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और आप लोग तैयारी करके जाओगे तो बढ़िया रहेगा। और ये मैंने पूरा क्वेश्चन किया, एक दो छोटा होगा, अब जो आया हो कि ये क्या करें, छोटा सा दिमाग है उसमें कितना एडजस्ट करें, ये हो गया। और इसके बाद अब आते हैं इस वाले पेज पे, खंड स दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ये लंबा वर्ड होगा 500 वर्ड का, तो इसमें से दो ही करना है क्वेश्चन, दो क्वेश्चन चाहे तो कोई सा भी दो कर लो। इसमें दिया ना किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए, 500 वर्ड में देना इसको, जो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर 500 वर्ड में देना है, यानी कि दो करना है, दो देने की 1000 वर्ड का होना चाहिए। तो ये देखो, पहला भूगोल में स्थानिक अंतर्क्रिय के विधि में प्रतिमानों की विवेचना कीजिए, ये हो गया। और ऐसे मैंने ये दिया था 9वें का, और इसके बाद 7वें का दिया था क्वेश्चन आंसर, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, तो आप लोग देख लो और तैयारी वारी कर लो जैसे करना है, बस यही था। तो मैं सोचा चलो आप लोगों को बताते हैं और दिखाते हैं, कि ब्लॉगिंग तो कर नहीं पा रहे हैं मार्केट में जाकर, तो हमको चलो इन्हीं लोग इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर बता बता के आपको तैयारी भी करा देंगे और थोड़ा पढ़ भी लेंगे, क्योंकि पढ़ना भी ज़रूरी होता है ना समय के साथ साथ, तभी तो
समझ में आएगा और आगे बढ़ेंगे, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला। क्या कैसा है आप लोग ज़रूर बताना, तो देख सकते हो। और इसका तीन भाग में होगा, ये पहला भाग था, फिर द्वितीय होगा, फिर तृतीय होगा। ये टोटल नंबर जो है 70 नंबर का है, ये क्वेश्चन जो है 70 नंबर का है, आप लोग देख सकते हो। तो ये था, और मैं सोचा चलो आप लोग पढ़ा दें और दिखा दें कैसे आता है क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है, ये मेन पर्पज़ था कि आप लोग पढ़ लो, थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो समस्या हो जाएगा, क्योंकि बिना पढ़े आजकल कुछ होने वाला तो है नहीं क्या। तो आप लोग भी पढ़ लो और थोड़ा हम भी पढ़ लें क्या। तो हम तो पढ़ लिए, पेपर भी दे रहे हैं, तो आप लोग भी बता दिए, मैं बताना हमारा फर्ज था। तो बिना पढ़े आजकल कुछ नहीं होने वाला, बिना विद्या का ज्ञान, बिना पढ़े कुछ होने वाला तो है नहीं। तो इससे अच्छा थोड़ा बहुत पढ़ लो, आप लोगों को भी ज्ञान हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, तो सही रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोग मुझे अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा। तो बाय 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 बाय।